के साथ का चैलेंज है, फिर से अपन आ चुके हैं मिलिट्री कार के साथ का चैलेंज होने वाला है और बहुत सारे अपन को लूप्स देखने को मिलने वाले हैं आज के चैलेंज में। तो चलो यार कार के अंदर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कितना तगड़ा भाई आज का चैलेंज होने वाला है, मैं कर भी पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। चलो यार बैठ जाते हैं गाड़ी पर और चैलेंज का ही अपन करते हैं शुरू। तो यहाँ पर भाई ओहो क्या गाड़ी है यार इसके, एकदम भाई टायर वायर तो देखो क्या बढ़िया टायर लग रहे हैं यार। इतनी खतरनाक आर्मी की मैं कार लेके आया हूँ ना कि मत पूछो भाई, मत पूछो मुझसे मैंने कैसे चुराई ये गाड़ी। तो चलो ना सबसे पहले अपन को ओ ओ कर ले कर ले। चलो भाई कैसे भी करके मैंने ये तो एटलीस्ट है पार कर दिया है और ऊपर से अनकंट्रोलेबल हो गई थी गाड़ी। कोई बात नहीं, एक और मौका तो देना चाहिए, हर इंसान को एक मौका तो मिलता है। यहाँ मैंने दो मौके मांग लिए। ओ भाई लोगों पे गिर गया, लोगों पे गिर गया, लोग तो गुस्सा हो गए भाई, लोग गुस्सा हो गए। ओ मुझे दो लोग ऐसा मारने को आ रहे हैं, एक काम करता हूँ इन दोनों के साथ अपना जरा हाथ साफ कर लेता हूँ यार, बहुत दिन हो गए हाथ साफ नहीं किए मैंने, बहुत दिन हो गए भाई। आ जाओ भाई, कौन है ये दो बंदे जो कि यार बहुत गुस्सा कर रहे हैं भाई, गाड़ी मेरी गिरा मैं, नुकसान मेरा, तुम लोग कौन होते हो भाई गुस्सा करने वाले। ये तू मार खा, ये ले भाई मार खा, ये प्रसाद खा, तेरे भाई का प्रसाद है, हाँ प्यार से ये ले, कुछ पैसे मिल गए। ये कौन भूत है, जा तू जाके स्टैचू बन यार। ऐसा भाई अमेरिका में नहीं होता, लोग स्टैचू बन जाते हैं और लोगों को लगता है ये स्टैचू है लेकिन वो स्टैचू नहीं भाई, रियल इंसान होता है। वैसा जॉब वॉब कर रहा है लेकिन वो पैसा नहीं है, इसका मतलब कि यार ये काम करने में भाई पैसा नहीं है, तो यार सोच समझ के करना। तो भाई साहब यहाँ पे वापस मैं आ चुका हूँ और गाड़ी अपनी यार पूरी पलट गई थी, तहस नहस हो गई थी, कैसे भी करके मैंने उठा लिया है गाड़ी को और अब मैं टनल के अंदर तो भाई चला गया हूँ। लेकिन यार ये टनल भाई साहब बहुत ज़्यादा घुमावदार है भाई साहब, बहुत ज़्यादा घुमावदार है। अब मुझे ऊपर जाना है, बस ये गाड़ी ऊपर जाने में कोई नाटक ना करे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा भाई अंदर जा चुका हूँ और ये रास्ता कहाँ ख़त्म होने वाला है ना, मैं को पता नहीं था बाबा, मैं को पता नहीं कहाँ ये रास्ता ख़त्म होने वाला है। जिसका यार मुझे डर था वही हुआ कि गाड़ी यार पलट के नीचे गिर गई है और यहाँ पे इस गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है और फिर से पलट के नीचे गिर गई भाई गाड़ी यार। ओए अबे इसके पीछे नहीं जा सकता क्या मैं यार, एक सेकंड जा सकता हूँ लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। एक काम करता हूँ सबसे पीछे चले जाता हूँ, बहुत पीछे आता हूँ और फिर जाता हूँ भाई बहुत तगड़े तरीके से आगे, क्योंकि आगे जाना यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ मैं, कर सकता। अरे अरे यार लालत है मिलिट्री कार तेरे पे, लालत है मिलिट्री की कार है और इतनी सी भाई जा नहीं पा रही ऊपर, यार क्या दिक्कत है। इस बार तो मैं करके रहूँगा, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। हो गया हो गया हो गया हो गया, ये हुई ना भाई मिलिट्री कार वाली बात, ये गाइस हो गया यार। अब एक काम करते हैं ज़रा इसको अपन सीधा करते हैं और यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये रास्ते पता नहीं कहाँ को जाएंगे। और गाड़ी का जो थोड़ा सा मतलब यार क्या बताऊँ मैं, सही से मुड़ भी नहीं पा रही है गाड़ी, कैसी गाड़ी है। मेरे को लगा कि मिलिट्री गाड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है रे बाबा, बहुत घटिया गाड़ी लेके आया हूँ मैं, इससे घटिया गाड़ी मुझे मिल नहीं सकती है लॉस एंटोस में। लालत है मेरे पे रे बाबा जो मेरे को यही गाड़ी मिली है, बहुत घटिया गाड़ी लेके आया हूँ यार। इसकी हैंडलिंग सच में यार माशाल्लाह बहुत खराब है भाई, बहुत खराब हैंडलिंग है इसकी यार, कैसे तो चल रही है कभी ऐसी कभी वैसी भाई। एक पास गए साथ नोटिस की कि नहीं की यार, इस ये गाड़ी इतनी बार ठुक चुकी है लेकिन भाई मजाल हो कि इसका एक पुर्जा भी यहाँ से वहाँ हुआ है। मिलिट्री गाड़ी है ना रे बाबा, मिलिट्री गाड़ी है, गाड़ी तो भाई मजबूत है लेकिन यार इसका वेट इतना ज़्यादा है ना कि जैसी एकदम हाई स्पीड में आती है गाड़ी पलटने लगती है भाई। तो मेरे को अब यहाँ से नीचे आना है और गाड़ी ने अपनी औकात दिखा दी, औका दिखा दी भाई। कोई बात नहीं, यहाँ से अब मैं आ चुका हूँ और सीधा एकदम नीचे आता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा तेज हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भाई। एक छाते ने मेरा काम बिगाड़ दिया यार, ना बारिश हो रही है ना कुछ है, सर छाता यहाँ क्या कर रहा है यार, मतलब दर्शन छोटे हैं यार इस गाड़ी के, मैं भाई माफ़ करना लेकिन दर्शन छोटे हैं इस गाड़ी के। और ये गाड़ी फिर भाई नीचे चली गई है,
यहाँ पे जितने सारे हैं सबको मैं हटा दूंगा, छाते के वजह से काम खराब हो गया। ये तो वही कहानी हो गई यार कि हाथी के कान में चींटी। कोई बात नहीं, जरा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ प्यार से। ये हुई ना बात, अब जरा आगे करके, और मुझे पूरा गोल घुमाना ही था, लेकिन यार फ्रैंकलिन नीचे चला गया। फ्रैंकलिन कह रहा भाई साहब मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, मैं उसको पान थूकना था तो नीचे आ गया। भाई तू पान थूकने के लिए नीचे आया यार, और कहीं साहब अपना चैलेंज यहीं पे समाप्त होता है और यहीं पे अपना चैलेंज खत्म हो चुका है, और यही एंड था। एंड थोड़ा सा भाई अटपटा था, लेकिन मजा आया होगा कैसे आपको यार। अगर मजा आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ना यार, क्योंकि ऐसी वीडियो यार मैं रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में।